Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. In this tutorial, we will be discussing some MCQs of carbohydrates. To boost your information and to learn some tips and tricks, keep learning and watching. So let's get kickstart. The first question about carbohydrate we have is, every carbohydrate is, sare, ke sare carbohydrate kya hote hai? बेसिकली हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए ए कार्बोहाइड्रेट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बहुत सारे होने चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप यानी सी एच ओ ग्रुप या उनको कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए जिसमें जो है सेंट्रल कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन carbon, दो आर चें के साथ अटैच हो ठीक है तो ये बेसिकली बेसिक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा पार्ट है सही पार्ट फर्स्ट एल्डोस या कीटोस यानी जो उनमें एल्डीहाइड भी होना चाहिए कीटोन भी होना चाहिए सही बात है क्या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट राइबोस होते हैं या डिऑक्स नहीं क्या सारे के सारे हैगजोस होते हैं यानी सिक्स कार्बन वाले शुगर्स क्या सारे के सारे फाइव कार्बन यानी फेंटोस होते हैं क्या सारे के सारे थ्री कार्बन वाले ट्रायोस होते हैं या टेट्रोस होते हैं फ़ोर कार्बन वाले तो ये जो है ये सारे के सारे ये तीनों पार्ट गलत है और हमारा जो है सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट आर दे आर एल्डोज पॉलीहाइड्रोक्से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स तो वो एल्डोज भी होते हैं कीटोस भी होते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ च ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नाट टेक प्लेस वैन ग्लूकोज इज ईटन यानि जब हम ग्लूकोज को इंजेस्ट करते हैं कौन सी प्रोसेस इन प्रोसेस में से नहीं होती है सो कमिंग टू द फर्स्ट वन डाइजेशन सेकेंड वन इंजेशन एसिमुलेशन एंड एब्जॉर्बेशन इंजेशन क्या होता है टेकिंग इन है ना तो हम जब हम खाना खाते दैट्स कॉल्ड द इंजेशन एसिमिलेशन इज़ टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड यानी डाइजेस्टेड फूड से हम एनर्जी निकालना सेल के अंदर होती है असीमुलेशन यानी एटीपी बनाना तो सेल के अंदर होता है एबजॉर्बशन यानी इसको एबजॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम फ्रॉम द इंटस्टाइन्स इन टू द ब्लड तो इंजेक्शन भी होता है एब्जॉर्ब भी होता है और एनर्जी भी निकल जाती है बट जो ग्लूकोज है इट्स डायरेक्टली टेकन इन टू द ब्लड तो इसकी डाइजेशन नहीं होती तो हमें बोलना था कौन सा नहीं होता दैट इज डाइजेशन डाइजेशन नहीं होता क्वेश्चन थ्री द मोस्ट कॉमन बहुत ही कॉमन मोनोमर यानी मोनोसेकराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मोलिक्यूल बहुत कॉमन जो मोनोसक्राइड है सिंपल एक एक्ट्रिकी क्वेश्चन के एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मोनोमर है यानी मोनोसेकराइड है कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है दैट इज सिंपली ग्लूकोज ठीक है सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है ग्लूकोज हर एक साइड से हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली मोस्टली ग्लूकोज होता है राइबोस उतना कॉमन नहीं है रैफिनोस डाहाइड्रॉक्स एसिटोन एकटोट्रायोस है

फोर फाइव एंड सिक्स सो इट हैज सिक्स कार्बन सो दिस इज एल्डोस एंड हैगजोस सिंपली एल्डो हेग्जोस तो ग्लूकोज जो है ये एक एल्डो हैगजोस है सो विच पार्ट इज द आंसर कीटोस है क्या ये कीटोस है पार्ट सेकेंड दिस इज दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस पायरान एंड फ्यूरन एक लेक्चर आएगा उसमें पायरन और फ्यूरान के बारे में फ्यूर हो गया जिसमें फाइव मेम्बर रिंग होता है पायरान होता है जिसमें सिक्स मेम्बर रिंग होता है तो पेंटोस नहीं है ये पेंटोस नहीं इसकी वजह से गलत हो गया ये पार्ट भी ये पार्ट भी इट्स अ हैगजोज सो पार्ट वन शुड बी द आंसर अप्रोप्रिएट आंसर सो इट्स अल्डोज एंड हैगजोस शुगर क्वेश्चन फाइव इज अ डबल शुगर यानी दो शुगर्स यानी दो शुगर इज कौन सा इनमें से दो शुगर वाले जिनको हम दो शुगर वाले डबल शुगर कह सकते हैं सो so, टेबल शुगर टेबल शुगर क्या होता है टेबल शुगर इज सुक्रोस ओके okay? टेबल शुगर इज सुक्रोस यस दिस इज अ डाइसेकराइड डबल शुगर मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोस मिल्क शुगर यस दिस इज मेड अप ऑफ दिस इज एक्चुअली लैक्टोस इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं और इट्स मेड अप ऑफ टू शुगर्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज शुगर इन जॉमिनेटिंग सीड्स यस दिस इज माल्ट शुगर और माल्टोस इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ठीक है तो ये सारे के सारे डबल शुगर है तो ऑल आर करेक्ट क्वेश्चन सिक्स कंपाउंड इन विच कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन वन इज टू टू इज टू वन वन इज टू टू इज टू वन रैशियो इस कॉल्ड अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फॉर्मूला पता हो तो सी एन एच टू एन ओ एन तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्मूला है तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा पार्ट थ्री ठीक है जिनमें इस रेशियो में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है क्वेश्चन सेवन रेड्यूसिंग शुगर्स रेड्यूसिंग मतलब क्या होता है रेड्यूसिंग का रेड्यूसिंग का मतलब होता है दे गिव इलेक्ट्रॉन दे गिव इलेक्ट्रॉन तो यहां पे एक टिप आपके लिए ऑल मोनोसेकर ऑलमोस्ट ऑल मोनोसेकराइड्स रेड्यूसिंग सारे के सारे मोनोसेकराइड मोस्टली रेड्यूसिंग होते हैं तो यहाँ पे हम एक एक करके एनालाइज करेंगे ग्लूकोज है ग्लूकोज है यहाँ पे ठीक है फ्रुक्टोस है ये हेग्जोस है गैलेक्टोस है ये भी एक हेग्जोस है माल्टोस माल्टोस इज अ डाई यस दिस इज ऑल्सो रेड्यूसिंग एंड लैक्टोस लेक्टोस इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दिस इज ऑल्सो रेड्यूसिंग सो यहाँ पे सारे के सारे रेड्यूसिंग है सो so, पार्ट वन इज द आंसर व्हाट अबाउट पार्ट सेकंड चलो एनालाइज करते हैं ग्लूकोज रेड्यूसिंग है स्क्रोस यहाँ पे याद रखना ये स्क्रूस जो है ये जो स्क्रूस है दिस इज नॉन रेड्यूसिंग डाय तो इसकी वजह से ये पार्ट जो है गलत हो गया यहाँ पे लैक्टोस है लैक्टोस है रेड्यूसिंग येस दिस इज रेड्यूसिंग वट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दे आर नॉन रेड्यूसिंग तो ये भी गलत है ओब्वियसली ये पार्ट भी गलत है तो so, हमारा पार्ट वन जो है जिसमें सारे के सारे रेड्यूसिंग शुगर्स है तो ये सारे के सारे रेड्यूसिंग शुगर्स है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट वन इज द करेक्ट आंसर सी बी एस ई टूजेंड टू में क्वेश्चन आया था क्वेश्चन एट वी हैव मिल्क शुगर अभी मैंने डिस्कस किया मिल्क शुगर इज वाट लैक्टोज लैक्टोजन आपने सुना होगा तो लैक्टोस इसमें होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तो ये दो शुगर होते हैं इसमें सो so, इज ये क्या होता है इसमें क्या ये ग्लूकोज होता है मिल्क शुगर क्या ये फ्रुक्टोस होता है फ्रूट शुगर क्या ये आ, गलत क्या ये ग्लूकोज होता है नहीं गलत क्या ये सुक्रोस होता है यानी हमारी चीनी या ये लैक्टोज़ होता है तो सिंपली लैक्टोस होता है तो सिंपल आंसर है, तो है जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है एक ग्लूकोज गैलेक्टोस और ग्लूकोज को मिला के बना होता है तो अबाउट बॉन्ड्स लेक्चर आ रहा है दिस इज़ अ बीटा टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें ये जो है हमारा ऐसे एक ब्रिज बन रहा है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में तो दिस इज गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज जिसको हम लैक्टोज कहते हैं ना क्वेश्चन नाइन वी हैव इज ऑलिगोसेकराइड्स ठीक है जिसमें फिव शुगर्स होते हैं फिव शुगर्स आर प्रेजेंट कंटेन कितने होंगे चाहे अगर दो होंगे दिस दिस इज अ दिस इज अ डाई सेकराइड दिसकांट बी वी कांट से दिस इज अलीगोसेकराइड टू टू टेन यस टू टू टेन अगर आया तो हम इसको यस कह सकते हैं बिकॉज दिस कंटीन मोर देन फोर मोर देन सिक्स तो ये है वो हमारा जो हमारा सही पार्ट है न्यूमरस तो यहाँ पे न्यूमरस ने गड़बड़ किया यानी बहुत सारे तो बहुत सारे नहीं हैं या वन नो मोनोसेक्राइड इसमें कोई मोनोसेक्राइड होगा ही नहीं तो पार्ट सेकंड इज़ द आंसर यानी ओलिगोसेकराइड वो शुगर्स होते हैं जिनमें टू टू टेन यूनिट्स होते हैं यानी मोनोसेकोराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा सेल का membrane है जब सेल बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो सेल का मेंब्रेन का आउटर लीफलेट होता है जस्ट रिमेंबर आउटर लीफलेट होता है दिस लीफलेट पर्टिकुलरली हैज दीज दीज ये लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइको लिपिड्स बनाते हैं प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं क्वेश्चन टेन इज विच वन इज कीटोस शुगर यानी जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर चेन ठीक है ऐसा कुछ बीच में कार्बोनिल कार्बन कौन सा होता है सिंपली ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है सीधे इंफॉर्मेशन जिन जिनके पास होगी तो ये वही आंसर दे कर पाएंगे इसको फ्रुक्टोस इज इज़ अ फ्रूट शुगर तो इसमें ये क्या होता है ये होता है कीटो हैक्जोस फ्रुक्टोस इज कीटो यानी इसमें कीटोस होता है एंड दिस इज हैक्जोस राइबोज जो है ये एक एल्डोस होता है ग्लूकोज एल्डोस होता है ग्लिस दे आर एल्डोस सो फ्रुक्टोस इज कीटोस एंड इट्स हैक्जोस नाउ अगेन रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज ग्लूकोज द रिड्यूसिंग शुगर इज इन फैलिंग सोलूशन फैलिंग सोल्यूशन जो है एक सोल्यूशन है जिसको जिसको हम यूज करते हैं सो हैज टू डिटेक्ट वेदर शुगर इज रेड्यूसिंग और नॉट तो रेड्यूसिंग शुगर होगा तो वो क्या करेगा रेड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं दे गिव इलेक्ट्रॉन दे गिव इलेक्ट्रॉन बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फैलिंग शुगर फैलिंग शुगर हैज़ कॉपर आयस इट कंटेन्स कॉपर आयस इन इट ओके सो कॉपर आयस आर इन टू पॉजिटिव और दे आर डाई वैलेंट वंस दे गेट वन इलेक्ट्रॉन जब उनको एक इलेक्ट्रॉन हमारा ग्लूकोज दे देता है सो वट वी गेट इज कॉपर कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो कॉपर वन पॉजिटिव सो विच पार्ट शुड बी करेक्ट डबल पॉजिटिव था तो वन पॉजिटिव बन गया तो हमारा पार्ट सेकेंड इज द आंसर क्वेश्चन ट्वेल्व वी हैव इज यानी हमारा चीनी वाली बात यानी ये ठीक है तो हमारा जो ये नॉर्मल शुगर जिसको हम कहते हैं एक्चुअली शुगर आर कार्बोहाइड्रेट मोस्टली आर शुगर्स वी से वी वी कॉल देम शुगर्स सो शुगर इज अ शुगर क्या है सुक्रोज की बात चल रही है क्या अभी हमने पढ़ा क्या वो रेड्यूसिंग शुगर है नो no. क्या वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है यस yes. वाई वाई बिकॉज जो उसमें एनोमेरिक एनोमेरिक कार्बन उसके बारे में लेक्चर आ रहा है तो एनोमेरिक जो कार्बन होता है यानी ये है ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रुक्टोज़, जो इनमें एनोमेरिक कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है दे आर एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ठीक है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किन्ों बनाया एनोमेरिक कार्बन्स ने एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर वन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर टू ऑफ रुकटोज इसीलिए ये नॉन रेड्यूसिंग होता है तो बोथ रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग नो नन ऑफ दिज तो पार्ट सेकंड इज द आंसर ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट प्रेजेंट टिपिकली इन द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन किन में वॉटर की तरह यानी वाटर एच टू होता है तो एच टू ओ के जैसा किस में आ, जो है वॉट हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रपोर्शन होता है वी नो सी एन एच टू एन ओ एन अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में एच टू एन यानि हमारा एच टू एन सॉरी एच टू एन एन ओ एन तो किस में प्रपोर्शन होता है वी नो इट कार्बोहाइड्रेट्स फोर्टीन क्वेश्चन नंबर सेल्स यूटिलाइज ऑर्गेनिक कॉन्स्टुंट्स ठीक है सेल्स यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टुंट्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर किस ऑर्डर में ये सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें यानी सबसे ज्यादा किसको लेंगे फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम आप याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिक सोर्स होता है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में फिर बाकी बाकी चीजें यूज होंगी सो कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट दैन फैट्स दैन प्रोटीन्स तो पार्ट सेकेंड इज द आंसर दिस अगैन वॉज एन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन फिफ्टीन डिऑक्सीबोस यानी वो राइबोस जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता यानी ये राइबोस जिसमें कार्बन नंबर टू पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ नहीं होता डी डीएनए में प्रेजेंट होता है एंड राइबो शुगर यानी वो जो आरएनए में प्रेजेंट होता है उसमें टू पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये दोनों है क्या क्या ये पेंटोस मोनोसेकराइड है हेक्सोस मोनोसेकराइड है ऑलिगोसेकराइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स है दे आर नॉट न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड इज शुगर प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ऑलिगोसेकराइड हो गए बहुत सारे शुगर्स हैगजोस नो दे कंटेन वन टू फाइव कार्बन दो दिस इज नॉट हैगजोस एंड व्हाट आर दे दे आर पेंटोस यानी पांच कार्बन वाले मोनोसेक्राइड सो पार्ट वन इज द आंसर नाउ क्वेश्चन सिक्सटीन वी हैव इफ डी यानी हमारा अभी वाला ये वाला जिसमें टू प्राइम पोजिशन पे यानी डी वाला शुगर ऑक्सीजन नहीं होता इफ सप्लीमेंटेड विद ऑक्सीजन अगर हम इसको ओ टू देंगे चलो हम इसको ओ टू दे दिया यानी ऑक्सीजन दे दिया तो क्या होगा एट सेकेंड कार्बन यानी सेकेंड कार्बन जिसकी हम बात कर रहे थे विच वन ऑफ दीज इस फॉर्म कौन सा अब बनेगा ऑब्वियसली सेकेंड पोजिशन पे अगर हम इसको देंगे तो ये सेकेंड पोजिशन पे फिल हो गया और सेकेंड पोजिशन ये है इस पर ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या बनेगा डिऑक्सीराइबोस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें राइबोस में क्वेश्चन सेवनटीन ग्लूकोज हैज़ वन कार्बन एटम मोर देन यानी ग्लूकोज जो है ये कार्बन किस कितने कार्बन होते हैं इसमें सिक्स यानी किस से ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली फाइव कार्बन शुगर से वन कार्बन इसको ऐड किया तो सिक्स कार्बन वाला मॉलिक्यूल यानी हमारा ग्लूकोज बन जाता है तो कौन सा वाला इसमें फाइव कार्बन शुगर होगा तो हमें पता है फ्रुक्टोस इज अ कीटो हैगजोस माल्टोस इज अ डाइसराइट डैट टू इसमें हैगजोस होते हैं हेप्टोस यानी सेवन कार्बन वाला सिक्स कार्बन वाला सिक्स कार्बन वाला एंड विच वन इज़ फाइव कार्बन वाला दैट इज राइबोस दिस कंटेन्स फाइव कार्बन तो पार्ट सी इज़ द आंसर क्वेश्चन एटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट इन हाइड्रोकार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइड्रोकार्बन अगर हम इनकी डिफरेंस पता करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स टू एन ओ एन और हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन तो, और कार्बन होगा तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है जो कार्बोहाइड्रेट में होगा हाइड्रोकार्बन में नहीं होगा ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहाँ पे है क्या यहाँ पे है नो सो ऑक्सीजन इज द ओनली थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन ठीक है तो उनके स्ट्रक्चर में ये नहीं होता उनके सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है बट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते, है, होते हैं उनमें ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन तीनों होते हैं क्वेश्चन नाइनटीन वी हैव इज च ग्रुप ऑफ शुगर फ्राम द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज ठीक है क्वेश्चन थोड़ा गौर करने के लायक अगर हम सुपरफिशियली कहेंगे तो क्वेश्चन सही भी है बट अगर हम डेफ्थ में जाते हैं इन मेटाबॉलिज्म तो ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू लिटिल शुगर्स लाइक वी हैव सिक्स कार्बन शुगर दैट इज़ ग्लूकोज इट कैन बी ब्रोकन इंटू टू थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स ठीक है टू थ्री कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लिसरलहाइट बन सकता है इससे तो कौन सा इसमें से जो है वो हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते लाइक like अगर मोनोसेक ग्लूकोज की तो बात ही नहीं चल रही है मोनोसेक्राइडस की बात चल रही है यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है यहाँ पे मोनोसेक्राइड की बात दी गई है अगर हम मोनोसेक्राइड डाइ ऑलिकोसेकराइड को तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना हमें बोला गया कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं डाइसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बट अगर हम मोनोसेकराइड्स की बात करेंगे दे कैंट बी सो दे कैंट बी हाइड्रोलाइज बिकॉज जो अगर हम थ्री कार्बन वाला एक मोनोसेकराइड लेंगे लाइक ग्लिसरल डिहाइड इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके कौन सा शुगर बनाएंगे सो दिस कैंट बी हाइड्रोलाइज तो पार्ट वन कैन बी द आंसर इफ मोनोसाकरइड इज मैंशंट बट अगर सिक्स कार्बन वाला ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल दिया है दैट कैन बी हाइड्रोलाइज ठीक है न क्वेश्चन ट्वेंटी आई गेस द लास्ट वन अ मोनोसेकर मोनोसेकर क्या होता है लेकटोस सुक्रोस राइबोस माल्टोस मोनोसेकर लैक्टोस जो है वो एक डाइसेकराइड है डबल शुगर है दिस कैंट बी स्क्रोस एक डबल शुगर है दिस कैंट बी माल्टोस एक डबल शुगर है दिस कैंट बी एंड हमारा राइबोस जो है फाइव कार्बन वाला मॉलिक्यूल ये एक है पार्ट थ्री इज़ द आंसर थैंक यू हैप्पी लर्निंग आई होप यू एन्जॉय द लेक्चर इफ़ यू रियली एन्जॉय द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स Subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.